वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही, आज 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट में से कम 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट DELED के हैं। PBR स्टडी में स्टडी करने वाले अभ्यर्थियों को मिलते हैं पूरे पूर्णांक। जी हां, 25 में 25 नंबर मैथ में। हम सिर्फ मैथ की गारंटी लेते हैं, बाकी और विषय की नहीं। और आपको दिखा दें कि जो भी स्टूडेंट मैथ से परेशान है, हैरान है, वो PBR स्टडी में अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो उन्हें पूरा का पूरा पूर्णांक मिलेगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये आप लोग खुद ही करके देखते हैं। कुछ भी नहीं छुपाया, कुछ भी नहीं चुराया, इसमें आप सब कुछ देख सकते हो। ये कहाँ का कॉलेज है, कौन रोल नंबर है, क्या है, आप खुद चेक कर सकते हो। चलिए आपको प्राप्तांक दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, गौर से देखना, दिल थाम के देखना। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की, बाकी और सब्जेक्ट की नहीं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या नंबर मिले हुए हैं। मैथ यानी कि गणित चौथे नंबर पर आता है, देख लीजिए। इसमें पूर्णांक होता है 25 नंबर, और ये लिखित का पूर्णांक 25 में होता है, और आंतरिक का भी 25 होता है, ठीक है। जिसमें लिखित में 12 नंबर पाना होता है और आंतरिक में 15 नंबर पाना होता है। आंतरिक मतलब जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है, ठीक है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका ज़रा देखना, लिखित में कितना नंबर मिला है। ये 25 नंबर है यहाँ पर पूर्णांक, आप देखो लिखित में, और इधर देखो ये है प्राप्तांक 25 नंबर। ज़रा गौर से देखो, नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं पूरा दिखा दूंगा, इधर करके देख लो, ये लो, ठीक ना। चौथे नंबर पर था ना गणित विषय, तो चौथा नंबर देख लो, ये है 25, ठीक है। ये है मैथ का। अब आप यहाँ पर आप खुद ही अनुमान लगा लो, ये देखो पूर्णांक है 25, सॉरी प्राप्तांक यानी लिखित में 25 मिला है, ए ग्रेड मिला है, और आंतरिक में 24 मिला है, इसमें भी ए ग्रेड मिला है। हमने आपको दिखाया था थंबनेल में ना कि PBR स्टडी वालों को मिलते हैं पूर्णांक, और जी बिल्कुल आपके सामने ये है पूर्णांक। आप इसमें देख सकते हैं कोई भी ए के अलावा कोई दूसरा ग्रेड नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला हुआ है। तो हम और विषय की तो गारंटी नहीं लेते हैं, और विषय इन्होंने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। इनका नाम है विनय कुमार जी, ये गाजीपुर से हैं, बिल्कुल हमें तो लगता है बिल्कुल गाजीपुर से, क्योंकि इनका कॉलेज वगैरह गाजीपुर में ही है। बाकी इनके बारे में जानकारी हमें और ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और इनका जो मार्क्स है आपने देख लिया पूरा पूरा पूर्णांक। इतना ही नहीं है, कोई एक बनावटी नहीं दिखाया मैंने, अभी आपको हम और भी दिखाएंगे, इसी तरह हम आपको बहुत सारे दिखा सकते हैं। जिन लोगों के दिल में आ रहा हो कि ये कोई फर्जी है, तो गाजीपुर के अलावा आप चलिए, अब हम आपको गोरखपुर का दिखाते हैं। जी हाँ, गाजीपुर में अगर कुछ गड़बड़ है तो गोरखपुर में भी तो गड़बड़ नहीं है ना। आल यूपी का हम कहाँ का रिजल्ट आपको दिखाएं, जहाँ का आप कहिए। हमारे पास जो कुछ भी रिजल्ट उपलब्ध है हमने मंगाया हुआ था, लेकिन बहुत बिजी होने के कारण रिजल्ट का हम वीडियो नहीं बना सके। ये देखो इधर, इसमें भी सभी में ए ग्रेड है, और ये संदीप यादव जी हैं जो कि पाते हैं 24 नंबर, 25 में से 24 नंबर। ये मैथ सब्जेक्ट यानी कि गणित में आप देख सकते हैं 25 पूर्णांक है इसमें लिखित का, और आंतरिक का है 25 पूर्णांक, जिसमें 12 नंबर पाना होता है और इसमें 15 पाना होता है। तो ये 25 में पाए हुए हैं 22 नंबर, और आंतरिक में ये 25 में 24 नंबर प्राप्त किए हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हो 25 में 25, 25 में 22, इसी तरह से हम अभी आपको और ढेर सारे दिखा सकते हैं, 25 में 24, 25 में 23, 25 में 25। ये सभी PBR स्टडी के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ की क्लास को ज्वाइन किया है, वो बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लास देखना होता, बाकी चाहे वो मैथ में कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, इतना रिवीजन करवा दिया जाता है, इतना एक प्रकार से मान लीजिए कि आपको घोल कर पिला दिया जाता है कि आप बिल्कुल कभी नहीं भूलते हैं। और हाँ, ये एक बात मत भूलिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रिजल्ट जो है बहुत आसान घोषित हुआ था इस कारण से, तो आप 2019 का जो रिजल्ट आया था अभी हाल ही में उसको देख सकते हो, जनवरी महीने में, शायद जनवरी का ये रिजल्ट था, उसके आसपास का, उसमें 53,000 से अधिक स्टूडेंट फेल हुए थे, इसको भी देख लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, 53,000 से अधिक स्टूडेंट फेल हुए थे, और मैथ में कितने फेल हुए थे आप खुद आंकड़ा लगा सकते हो। तो उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने आर्ट से पढ़ा था या फिर मैथ में कमज़ोर है, नहीं आती है, उनके लिए PBR स्टडी की क्लास बहुत ही एक आशीर्वाद के रूप में घोषित होती है, यानी कि सिद्ध होती है। और आप पा सकते हैं 25 में 25 यानी कि मैथ सब्जेक्ट में पूरी गारंटी के साथ। आज ही ज्वाइन करें PBR स्टडी। हम ये गारंटी नहीं लेते कि आपको पूर्णांक मिलेगा, लेकिन ये गारंटी ज़रूर लेते हैं कि अगर आप हमारे बताए गए क्लास और अन्य वीडियोज़ एंड स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, तो आपको 25 में से 23, 24 तो पक्का 100% मिल ही सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को अवश्य फॉलो करना होगा, जो ये लोग कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि ये क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 549 का पे करना होता है, जब इन्होंने किया था ओनली 500 किया था,
अगर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। YouTube पर भी हमारी 50% क्लास बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होती है, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है। और आपको यहाँ पर हम बता दें, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग नंबर नोट कर लें, 9793488 और 448, इस पर आप ज्वाइन डी एल एड लिख करके मैसेज करेंगे या फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें रोल नंबर वगैरह भी दिया, बाकायदा कॉलेज का नाम दिया, सब कुछ दिया है, इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ एकदम करेक्ट। यहाँ पर नीचे साइन भी हुआ होगा, हर एक चीज़ आप जैसे पाते हो उसी तरह से है। बात समझ में आई ना? तो फिलहाल चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। ये 2018 बैच के स्टूडेंट हैं जिनका 2019 में जो है वो रिजल्ट आया हुआ था, ये प्रथम सेमेस्टर का है, जो अभी आपने आपको 25 में 25 दिखाया वो सेकेंड सेमेस्टर का था। बात समझ में आई ना? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद एंड थैंक यू, वेलकम।